So let us solve a very simple example to understand the concept of average and instantaneous velocity and speed. So हमें जो पार्टिकल दिया गया है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है वन डायमेंशनल मोशन में, और उसका जो पोजीशन है वो टाइम का फंक्शन दिया गया है, एंड इट इज़ गिवन एज एक्स इज इक्वल टू 40t - 5t² जिसमें एक्स मीटर्स में है और टी जो है टाइम वो सेकंड्स में है. सो हमको चार क्वेश्चन पूछे गए हैं ए बी सी डी. सबसे पहले हमको बताना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल बिटवीन द इंटरवल टी इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू 3. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड एट टी इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू 3, मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट जो होगा टी इज इक्वल टू 0 टी इज इक्वल टू 3 में, उस पर्टिकुलर मोमेंट में एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड बताना है. हमें भी बताना है कि टाइम, वो टाइम कब होगा जब जो इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द पार्टिकल 0 होगा, मतलब यहाँ पर एक्चुअल में जो पार्टिकल है वो रेस्ट में आ रहा होगा मोमेंटरीली, ठीक है. एंड लास्ट पार्ट हमको दिया है कि फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द इंटरवल टी इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू 5 सेकंड, मतलब टी इज इक्वल टू 0 से 5 सेकंड तक एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है. तो ये लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और साथ में बोला गया है कि डिस्कस द रिजल्ट. सो इफ़ वी वॉन्ट टू राइट द सॉल्यूशन, सो पहला पार्ट का अगर हम लोग बात करें, सो पहले पार्ट में हमको पूछा है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड. सो एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज इज रिटन एज डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, दैट इज चेंज इन पोजीशन ओवर चेंज इन टाइम. सो चेंज इन टाइम जो है दैट इज फ्रॉम 3 to 0, सो ये हो जाएगा 3 - 0, दिस इज चेंज इन टाइम. और चेंज इन स्पीड का मतलब एक्स पोजीशन, पोजीशन कब, जब टाइम है 3 ये वाले पार्ट के लिए, माइनस पोजीशन जब टाइम है कितना 0. सो दिस विल बी कॉल्ड चेंज इन पोजीशन ओवर चेंज इन टाइम एंड दैट विल गिव अस एवरेज वेलोसिटी. सो t इज इक्वल टू 3 की वैल्यू यहाँ पे जब पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमको मिलेगा, ये पहले एक्सप्रेशन के लिए मिलेगा 40 × 3 - 5 × 3³, ये हो जाएगा पहला वाला एक्सप्रेशन. माइनस 0 जब पुट कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ही टर्म में टी है तो ये 0 हो जाएगा एंड दैट डिवाइडेड बाय 3. सो वी एवरेज वी कैन राइट एज दिस विल बी 120 - ओके दिस इज स्क्वायर, दिस विल बी स्क्वायर, ओके सो 120 - 9, 3 × 3 = 9 एंड 9 × 5 दैट इज 45 - 45 एंड दैट डिवाइडेड बाय 3. So 120 - 45 that will be 75/3 and that will become 25 m/s. So ये जो interval है t is equal to 0 से लेकर t is equal to 3 तक, इस interval में हम ये देखेंगे कि particle एक ही direction में जा रहा है, सिर्फ right direction में, ये अभी last वाले part में clear भी हो जाएगा. So जब particle एक ही direction में जा रहा है तो जब वो direction change नहीं कर रहा है तो उस case में क्या होगा, distance और displacement क्या रहेगा, सेम रहेगा. इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा और उस वजह से जो एवरेज वेलोसिटी हमने निकाला है वही क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा. दैट विल आल्सो बी इक्वल टू एवरेज स्पीड फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरवल टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू 3. अब चलते हैं दूसरे पार्ट में और हम फाइंड करना है हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड, दोनों सेम होता है एट टी इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू 3. सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि v जो इंस्टेंटेनियस होता है या स्पीड इंस्टेंटेनियस होता है, v इंस्टेंटेनियस दैट इज़ गिवन बाई d/dt ऑफ पोजीशन x, dx/dt. सो दिस विल बी d/dt ऑफ, दिस इज 40t - 5t². सो इसे अगर डिफरेंशिएट करें तो ये क्या मिलेगा हमें, देखिए इसमें से 40 बाहर आ जाएगा तो dt/dt कट जाएगा तो ये बच जाएगा 40 - 5, कांस्टेंट से बाहर आएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर हो जाएगा 2t. सो जो वी इंस्टेंटेनियस का जो फॉर्मूला बनेगा वी इंस्टेंटेनियस का, दैट विल बिकम 40 - 2t. अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं कि पर्टिकुलर वैल्यूज जो कि है वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0 जब पुट कर देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 40 - 2 × 0 इज 0 हो जाएगा. सो दैट विल बिकम 40 m/s एट टी इज इक्वल टू 0. ये हमारी एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी, जबकि t = 3
3 सेकंड पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा. सो वी एट टी इज इक्वल टू 3 निकालने के लिए टी की जगह हमको 3 पुट करना पड़ेगा, लेकिन ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे गलत लिख दिया है. दिस विल बी 40 माइनस 5 इंटू 2 दैट इज 10 टी. सो वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 3 पुट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 पुट करना पड़ेगा. 40 माइनस 10 इंटू 3, सो 40 माइनस 30 दैट विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. सो आप देख सकते हैं t इज इक्वल टू 0 पर 40 मीटर पर सेकेंड है, और जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है वेलोसिटी घट रही है, 40 से ये 10 पे आ चुका है, बट स्टिल वेलोसिटी ने डायरेक्शन नहीं बदला है. अभी भी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वो प्लस एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है t इज इक्वल टू 0 से 3 सेकेंड तक. इसीलिए हमने यहाँ पे देखा कि जो t इज इक्वल टू 0 से 3 सेकंड तक चूंकि ऑब्जेक्ट ने अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया है, इसलिए जितना उसका डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और उस वजह से उसकी जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम हो जाएगी. अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ. सो थर्ड पार्ट में हमको पूछा गया है वो टाइम बताना है जब जो इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द पार्टिकल जो है वो 0 हो जाए. सो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास मालूम है, 40 माइनस 10 टी, तो इसको बस 0 कर देना है. सो 40 माइनस 10 टी इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे सो टी निकल के आएगा 40 बाई 10 दैट इज 4 सेकेंड. सो एट 4 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द पार्टिकल ये हो जाना है 0. अब चलते हैं लास्ट डी और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ. सो इस पार्ट में हमको पूछा गया है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन टी इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड. सो इसको हमको काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि टी इज इक्वल टू 0 और टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड में जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, किस तरह से. सो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये एक्स एक्सिस बना लेता हूँ. सो दिस इज माई एक्स एक्सिस, लेट अस से ये है हमारा एक्स एक्सिस, और इस एक्सिस में लेट अस से दिस इज आवर एक्स इज इक्वल टू 0. सो दिस इज माई एक्स इज इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी एट टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास जो पोजिशन है उसका इक्वेशन है 40 टी माइनस 5 टी स्क्वायर. ये इस इक्वेशन में जब हम लोग टाइम डालते जाएंगे तो हमको पोजिशन मिलते जाएगा. सो टी इज इक्वल टू 0 में जब देखेंगे तो एक्स जो है वो 0 हो जाएगा. टी इज इक्वल टू 0 में आपका एक्स हो गया 0. सो इस मोमेंट में पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा होगा, और टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 5 तक की बात हो रही है. तो टी इज इक्वल टू 5 के लिए भी यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. टी इज इक्वल टू 5 सेकंड जब हो जाएगा तो एक्स हो जाएगा उस केस में, यहाँ पे टी की जगह 5 पुट कर देंगे, 40 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 5 स्क्वायर. सो दिस विल बिकम 200 माइनस 5 स्क्वायर इज 25, सो दिस विल बी 125, ये आ जाएगा 75. सो टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर एक्स जो है दैट इज 75, ठीक है यहाँ से. लेकिन बीच में एक और चीज़ हो रही है, वो क्या हो रही है कि जब ऑब्जेक्ट जा रहा है आगे, आगे जाकर एक पॉइंट आ रहा है टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड जिसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया. टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में आ रहा है. इसका मतलब क्या हो रहा होगा, वहाँ से वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है. सो हम ये देखेंगे कि टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे वो अपने ओरिजिन से, स्टार्टिंग पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होने वाला है, और इस वजह से हमारा जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इसके कैलकुलेशन में डिफरेंस आने वाला है. तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर भी उसका पोजीशन कैलकुलेट कर लेता हूँ. सो दैट विल बी एक्स एट टी इज इक्वल टू 4 अगर हम निकालेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू, ये देखिए दिस विल बी 40 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 4 स्क्वायर, सो दिस विल बी 160 माइनस 80, और ये हो जाएगा 80 मीटर्स. तो आप देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ से ये 80 मीटर्स तक गया और उसके बाद ये वापस आया है, सो दैट ये x इज इक्वल टी इज इक्वल टू 5 सेकंड में 75 पर है x इज इक्वल टू. सो इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे प्लॉट कर लेता हूँ. यहाँ पर t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा t इज इक्वल टू 4 सेकंड, वहाँ पर x हो जा रहा है हमारा 80 मीटर्स. सो यहाँ तक तो ऑब्जेक्ट जो है एक डायरेक्शन में जा रहा है, इधर जा रहा है,
इस तरह से ये मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ से टी इज इक्वल टू फोर के बाद यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जा रही है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट भी किया है, एंड देन यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और फाइनली जो टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड में अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, तो यहाँ पर अगेन एक्स जो हो रहा है वो इस मैक्सिमम से कम हो जा रहा है, एंड दैट इज 75 जैसा हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया. सो बेस्ड ऑन दिस डायग्राम अगर हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने जाएं तो हमें क्या मिलने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एवरेज स्पीड. सो एवरेज स्पीड विल बी, एवरेज स्पीड में हमको चाहिए डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टाइम तो दोनों के लिए सेम है, टाइम इज सेम फॉर बोथ एंड टाइम इज जस्ट 5 सेकेंड, तो ये तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन डिस्टेंस देखिए तो जीरो से लेके ये 80 तक चला है, पहले वाले केस में जीरो से 80 तक, तो ये 80 तो आगे गया, प्लस अगेन आप देखेंगे फाइनल पोजिशन 75 है, टी इज इक्वल टू 5, मतलब 80 से ये 5 वापस आया है, सो 80 प्लस 5, सो ये हो जाएगा 85 बाई 5, और इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, ये जाएगा 5 जाएगा ये 1 एंड 7, सो दिस विल बी 17 मीटर पर सेकेंड, सो दिस विल बी आवर एवरेज स्पीड. अब बात करें अगर एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें तो ये होने वाला है डायरेक्टली, देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट था एंड ये इसका फाइनल पॉइंट है, सो दिस डायरेक्ट डिस्टेंस, दिस डायरेक्ट डिस्टेंस एंड दिस विल बी सिंपली डिफरेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स, 70 माइनस 0, सो दिस विल बी सिंपली, सॉरी 75 माइनस 0, सो दिस विल बी सिंपली 75 मीटर्स, सो इस वजह से जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट विच इज 75 मीटर्स एंड दैट डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड, तो पहले ही था, एंड दिस विल कम आउट टू बी 15 मीटर पर सेकेंड. तो आप देख सकते हैं चूंकि ऑब्जेक्ट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, इसलिए जो एवरेज वेलोसिटी है वो कम आ रहा है और एवरेज स्पीड ज़्यादा रहा है. जब तक पार्टिकल एक डायरेक्शन में जा रहा होता है तब तक एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड जो होता है वो सेम होता है इन वन डायमेंशनल मोशन.